जनपद पौड़ी गढ़वाल में बीते दिन खेल विभाग हॉस्टल के एक कमरा आग की चपेट में आने से कमरे में रखे स्पोर्ट्स सामग्री और जरूरी दस्तावेज जल गए थे। वनाग्नि के कारण हॉस्टल के कमरे और इनमें रखी सामग्री को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए सोमवार को जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान घटनास्थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खेल विभाग के अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने हॉस्टल का निरीक्षण करते हुए खेल अधिकारी को कमरे में लगी आग से जो नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट बनाते हुए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खेल के सामान की जो भी क्षति पहुंची है उसकी पूरी भरपाई की जाएगी। स्पॉट इंस्पेक्शन किया, उसमें चार बच्चों के डॉक्यूमेंट्स और खेल से संबंधित सामानों को नुकसान हुआ है। फॉर्चुनेटली सभी लोग सुरक्षित निकाल लिए गए थे और अभी उनको जो भी सहायता दी जानी है, उनके सर्टिफिकेट बनवाए जाने, उसमें मदद के लिए मैंने DSO साहब को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। तो जल्दी उनकी जो भी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और साथ अभी फॉरेस्ट फायर को लेकर के लगभग 23 बड़ी फायर लार्ज फायर के अलर्ट्स आए हुए थे मॉर्निंग में। हम सारी नर्सिंग कॉलेज के पास में भी एक बड़ी आग है, मांडाखाल में भी एक आग है। 4 बजे के आसपास ये आग ऊपर आ गई थी, जिसमें हमारा हॉस्टल पे जो उनके आग की लपटें निकली थी उससे हमारा एक हॉस्टल का एक रूम पूरी तरीके से जल गया है, जिसमें हमारा बच्चों का जो है पर्सनल सारा सामान उनका जल के राख हो गया है। उनमें उनके पर्सनल सर्टिफिकेट है और खेल किट है उसमें, तो और उसके अलावा जो भी सरकारी आइटम है जैसे अलमारी वगैरह है अंदर रखे हुए पूरे कपड़े तक जल चुके हैं और साथ में वायरिंग हमारी पूरी जल चुकी है। बाकी अब हम अपने स्तर से अभी हमने उनको कुछ सपोर्ट किया है ताकि वो जाके अपना सामान ले आए।